स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ KYP फॉर एथी ग्लो फेस वॉश। प्रोडक्ट कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है इस तरह की ट्यूब में और कोई फालतू प्लास्टिक सीन्स वगैरह इसके साथ नहीं होती है। प्राइस की बात करें तो प्रोडक्ट का MRP है 250 rupees फॉर 70 grams ऑफ प्रोडक्ट। पर ये प्रोडक्ट मैंने कॉम्बो में खरीदा था जी ब्लॉक के साथ, तो ये मुझे कॉम्बो पड़ा था 759 rupees का, जिसपे की मैंने 60 rupees एक्स्ट्रा शिपिंग पे किया था। सो यस, ये मैंने Amazon से खरीदा था। अपेरेंस में ये सुपर लाइट पिंक कलर का क्रीमी जेल फेस वॉश है एंड इसमें पिंक डार्क पिंक कलर के माइन्यूट से कोजिक एसिड के ग्रेन्यूल्स भी हैं एंड फ्रेग्रेंस इसका कम्प्लीटली आर्टिफिशियल है, बट काफी अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को। प्रोडक्ट इज पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री एंड उसके अलावा प्रोडक्ट पर ज्यादा चीजें मेंशन नहीं की गई हैं कि इफ इट इज वीगन, क्रुएल्टी फ्री और डर्मैट टेस्टेड, आई थिंक नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। एक्सपीरियंस ही कहूँ तो प्रोडक्ट बहुत इंटेंस फोम करता है, बहुत अच्छे से लेदर करता है एंड ये प्रोडक्ट सल्फेट फ्री है। प्रोडक्ट का फ्रेग्रेंस मुझे काफी अच्छा लगा, आर्टिफिशियल है बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लेंजिंग बहुत अच्छी देता है, डीप क्लेंजिंग देता है, लेकिन आपके स्किन का नेचुरल मॉइस्चर और ऑयल वगैरह है ना, वो अच्छे से क्लीन आउट कर देता है एंड जब आप पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लाइक आपकी जो स्किन है उसमें से लाइक कितना अच्छा हाइड्रेशन या गुडनेस वगैरह जो था वो सब चला गया। इतनी ज़्यादा ड्राई और यू नो स्ट्रेची स्ट्रेची आपको अपनी स्किन जो है वो फील होती है। तो यस, इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो है इंटेंसली ड्राई हो जाती है। क्विकली बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की। तो पहली कैटेगरी आती है एक्टिव्स की। तो एक्टिव्स में आपको 10 इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा ब्लेंड है पीलिंग सॉल्यूशन का, हीलिंग एक्टिव्स का जैसे नाइसिनामाइड और कोजिक एसिड जो कि डी टैनिंग इफेक्ट देता है, एलेंडोलिन भी आपको डी टैनिंग इफेक्ट देता है, ह्यूमेक्टेड ऐड किया गया है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट ऐड किए गए हैं एंड प्रोडक्ट में एक शुगरी अल्कोहल भी है जो कि काफी अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है। सेकंड कैटेगरी आती है क्लेंजिंग एजेंट की, जिसमें हमारे पास 4 इंग्रेडिएंट्स हैं एंड दीज इंग्रेडिएंट्स आर लाइक क्वाइट गुड, सिलेक्शन काफी अच्छा है क्लेंजिंग एजेंट का भी एंड काफी जेंटल और माइल्ड माने जाते हैं ये क्लेंजिंग एजेंट। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आता है प्लांट डेरिवेटिव जो कि है लिकरिश एक्सट्रैक्ट, जो कि लाइक एक्चुअल में माना जाता है कि ये डी टैनिंग इफेक्ट देता है, लिकरिश जो है वो डी टैन करने में हेल्प करता है स्किन को। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं बेस एंड बेस में भी अगर हम ध्यान दें तो मल्टीपर्पज चीजें डाली गई हैं, जैसे सिटैरिक एसिड हो गया, लॉरिक एसिड हो गया या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ये एमोलियन का भी काम करते हैं सॉल्वेंट के साथ साथ। तो यस, मॉइस्चराइजिंग एजेंट का जो प्रोपोर्शन है इस प्रोडक्ट में काफी अच्छा है। फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं प्रिजर्वेटिव। फर्स्ट प्रिजर्वेटिव तो लाइक इज गुड, आपको इसको अच्छा मान के चलना चाहिए, पर ट्राइक्लोसान इज समथिंग जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसके ऊपर काफी स्टडी भी है, इसके ऊपर काफी लाइक बैंस भी हैं, मतलब अभी अगर मान लो कुछ नया स्टडी आ जाता है ना तो इसको लाइक झट से बैन कर देंगे एंड अगर मान लो कि इस पर कोई नया स्टडी आ जाता है इसके फेवर में तो ये अनबैन भी हो जाएगा। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल है। पर्सनली स्पीकिंग मैं ट्राइक्लोसान अपने किसी भी प्रोडक्ट में यूज करना पसंद नहीं करती हूँ एंड मेरा यही कोशिश होता है कि मैं कम से कम प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट प्रेफर करूँ जो कि लाइक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है। लास्ट इज परफ्यूम। तो यस, प्रोडक्ट इज लोडेड विद परफ्यूम और परफ्यूम का मुझे पर्सनली लगता है यहाँ लिस्ट जो है वो प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया है। प्रोडक्ट कंटेन मेनी इंग्रेडिएंट्स जो कि कोमेडोजेनिक हो सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग एजेंट रिच जरूर है बट स्टिल ये लाइक ड्राइंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को, एज प्रोडक्ट कंटेन 3 पीलिंग एसिड्स लाइक वो भी एक साथ और काफी अच्छी क्वांटिटी में। सो प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे काफी इंप्रेसिव लगी, बस 2 ही इंग्रेडिएंट है, तो दैट मींस कि आप इसे यूज कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। अगर ट्राइक्लोसान अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस एंड यस, फ्रेग्रेंस सेंसिटिव है तो प्लीज इस प्रोडक्ट को अवॉइड करें। उसके अलावा अगर बात करें बायोडिग्रेडेबिलिटी की तो यस, इट कंटेन PEG, तो थोड़ा लिमिटेड में ये भी जो है इको फ्रेंडली नहीं है। ओवरऑल प्रोडक्ट के किसी भी इंग्रेडिएंट से अगर आप एलर्जिक है तो इस प्रोडक्ट को यूज करना अवॉइड करें एंड यस, यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें। ये प्रोडक्ट मेनली 3 चीजें ही क्लेम करता है, स्किन लाइटन करता है, वाइटन करता है, रिड्यूस करता है ब्लैमिशेस एंड लास्ट में ये डीपली क्लेंस करता है। तो इन सब में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अच्छे से डीपली क्लेंस करता है, ब्लैमिशेस रिड्यूस करता है या नहीं इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। रही बात स्किन वाइटनिंग की, तो स्किन वाइटनिंग शायद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट कंटेन्स कोजिक एसिड और कोजिक एसिड माना जाता है कि वो स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है। प्लीज माइंड इट कि वो माना जाता है, देर इज नो 100% एविडेंस कि ये वाइटनिंग करता ही है, बट यस, प्रोडक्ट जो है वो डीटैन भी करता है। सो कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप इसका सोचेंगे कि ये हम यूज कर ले वाइटन हो जाए, तो ऐसा कुछ 100% नहीं होने वाला। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। रिकमेंडेशन की कहूँ तो बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि क्लेंज इसने काफी अच्छा किया, डीपली क्लेंज किया, बट वैसा वाला क्लेंजर नहीं है जो मुझे चाहिए।
तो यस, ड्राई स्किन वाले तो बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, आपके लिए ये पूरा वेस्ट है। सुपर ऑयली स्किन है एंड आप चाहते हैं कि आपको एकदम क्लीन और ड्राई स्किन मिले क्लेंजिंग करने पे, फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ट्राई मत कीजिएगा, मेरी ये सजेशन रहेगी। बाकी वाइटनिंग श्वाइटनिंग वाले चक्कर में ना पड़ना, एवं मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, काम वाम कुछ नहीं करता ये। तो ये था मेरा वीडियो एथिग्लो फेस वॉश के लिए। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, अपने वर्ड्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें मेरे साथ, मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने के लिए, जब भी मैं पढ़ू मैं तभी रिप्लाई कर देती हूँ। एंड यस, आप उनसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.